तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बेसन की बर्फ़ी। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप घी। घी जैसे ही गर्म होता है, इसमें हम 1 से 1.5 कप बेसन डालेंगे। मैंने 1.5 कप लिया है और इसे धीमी आंच में रोस्ट करना शुरू करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, अन्यथा बेसन जल जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि घी बेसन के साथ मिक्स हो गया है। शुरुआत में ये थोड़ा टाइट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बेसन घी छोड़ देगा। अब मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी हल्दी, खाली कलर के लिए डाली है। आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं या इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची डाली है। दोनों को घी के साथ रोस्ट कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैंने इसमें 3/4 कप देसी खांड डाली है, इसे बूरा भी कहते हैं। ये किराना स्टोर में आराम से मिल जाती है। इसको बेसन घी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको किसी ट्रे में बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो थाली को भी घी से ग्रीस करके उसमें इसको फैला सकते हैं। बस थोड़ा जब आपको निकालना होगा तो थाली को नीचे से गर्म कर लीजिए, घी मेल्ट हो जाएगा तो ये आराम से निकल आएगी। मैंने यहाँ इसमें बटर पेपर लगाया है, ऊपर से चांदी के वर्क का यूज किया है। आपको अगर पसंद हो तो कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। बसंत पंचमी आने वाली है दोस्तों, आप चाहें तो इस बर्फ़ी को बनाकर सरस्वती माता का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि उनको पीले रंग का भोग लगता है। इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। देखिए मैं इसे काट रही हूँ, मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस काटे हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे काट सकते हैं। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आप ये बर्फ़ी बनाकर एंजॉय ज़रूर करें।